मेरा नाम रूपम कुमारी झा है, मेरा घर है भेड़िया डांगी ब्लॉक जिला किशनगंज। मैं यहाँ पे सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सहायता केंद्र में काम करती हूँ जीविका के माध्यम से। मेरा नाम यास्मीन है और मैं सदर अस्पताल किशनगंज में जीविका स्वास्थ्य मित्र के रूप में काम कर रही हूँ, जिसके द्वारा हमें जीविका की तरफ से कार्य करने के लिए मिला गया है और हम यहाँ पे आ रहे मरीजों की सहायता करते हैं और इससे जो है कि पेशेंट की बहुत ज़्यादा मदद होती है और जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है उनका हम लोग पंजीकरण कराने से एडमिट कराने तक की सहायता करते हैं। इस तरीके से एक तो हमें एक रोज़गार मिला है और जैसे गरीब महिलाएं आती हैं, पढ़ी लिखी दीदी नहीं आ पाती हैं हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल आने पर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो कहाँ जाए, किस डॉक्टर से मिले, तो जीविका के माध्यम से उनका एक साधन, एक गार्जियन के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं, गार्जियन के रूप में कार्य कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा इलाज मिल पाए। मेरे पति ड्राइवर हैं। अब हम जीविका के माध्यम से काम कर रहे हैं तो थोड़ा घर का स्थिति सुधर रहा है जी। जीविका में कब से मतलब जीविका ज्वाइन की थी आपने? मेरा जीविका ज्वाइन करने का 2 साल लगभग होने जा रहा है और 2 साल के भीतर भीतर मुझे जीविका के माध्यम से काम भी मिल चुका है। और इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले हाउसवाइफ मतलब घरेलू महिला के रूप में ही रहती थी, पढ़े लिखे थे पर घर में रहते थे तो कोई काम नहीं था। अब पढ़े लिखे होने से इंसान को होता है कि आगे चल के वो कुछ कर पाए, तो इसी के लिए हम जीविका में जुड़े जिससे हम फ़ायदा हुआ जी। हाँ, जीविका के माध्यम से जीविका बहुत अच्छा चल रही है। जो भी महिलाएं घर में बैठी थी, जैसे हम लोग भी घर में बैठे हुए थे, तो इस जीविका के माध्यम से हम लोगों को रोज़गार मिला है और घर से निकलने का भी मौका मिला, बाहर निकलने का, आगे हम लोग भी और किसी का हेल्प कर सकें, जैसे हम लोगों की तरह जो दीदी है उन लोगों को भी बता सके, इच्छुक कर सके कि आप भी जीविका से जुड़िए, आप भी घर मत बैठिए। इससे होता क्या है, कुछ इनकम भी हो जाती है महिलाओं को और मदद भी हो जाती है, घर परिवार का भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं जीविका से जुड़ के। हम लोगों को यहाँ पर डे के हिसाब से मिलता है, जैसे मानदेय हम लोगों के मानदेय मिलता है पर डे के हिसाब से, जितना दिन हम लोग काम करेंगे उतना ही हम लोगों को पैसा मिलेगा पर डे हिसाब, 490 रुपया पर दिन। हाँ, कुछ तो स्थिति में सुधार आया है। जैसे अगर हम घर में अकेले रहते, कमाने वाला एक है, घर में मेंबर में बच्चे भी हैं, उनका एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च है, तो एक मेंबर कमा करके उसको पढ़ा लिखा नहीं पाएगा, अच्छा स्टडी दिलाने में नहीं कर पाएगा ना, तो उससे क्या है कि हमारे बच्चों का भविष्य बन रहा है कि 2 आदमी काम करेंगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, घर में अच्छा इलाज, हर चीज़ अच्छा होगा। भले इससे तो पूरा परिवार नहीं चल सकता, लेकिन कुछ तो हेल्प हो जाती है। हाँ, हो जा रही है। जैसे एक के कमाने से अभी जो है घर परिवार चलाना बहुत कठिन है, इसीलिए हम लोग सोचे घर बैठने से तो अच्छा, जब जीविका में जुड़ने से बहुत नहीं, हम दो का नहीं, मान के चलिए किशनगंज में बहुत ऐसी दीदी हैं जो गरीब से गरीब हैं, उनको रोजगार क्या है, उसको पशुपालन के लिए भी पैसा मिलता है, तो पशुपालन करके भी नहीं पढ़ी लिखी है तो पशुपालन करके भी अपना रोजगार कर सकती है, उससे उनको कुछ योगदान मिल जाता है। हाँ, जीविका की तरफ से आता है ऐसा तो उनको दिया जाता है, मिलता है, तो वो उससे भी करती हैं। और कुछ ऐसे कार्य दिए गए हैं जैसे रेशम उद्योग है ना दीदी, रेशम उद्योग में भी है हम लोग का, तो जीविका दीदी उससे जुड़ी हुई है, कला के माध्यम में भी जुड़ी हुई है, जैसे कढ़ाई है, उसमें मैं हर क्षेत्र में जो बिना पढ़ी लिखी दीदी, दीदी की रसोई में अभी 8 दीदी हमारी कार्य कर रही है यहाँ सदर अस्पताल में। महिलाओं को ऊपर करने के लिए सशक्तिकरण किया है जीविका के माध्यम से, महिलाएं घर में जो रहती थी, जो चूल्हा चौका ही करती थी, आज बाहर निकल के उसी चूल्हे चौके के जरिए भी वो कमा करके अपना घर परिवार संभाल रही है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को जो है ऊंचा दर्जा मिल रहा है, जिससे पहले जो भी पुरुष थे महिला को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, महिला कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ घर में खाना बना सकती है, उसके सिवा आगे बढ़ भी नहीं सकती, लेकिन जीविका के माध्यम से आज महिला पुरुष के बराबर के हकदार है। आज महिला को कोई भी ये नहीं कह सकता कि महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती, महिला सब कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, वो भी तो घर से, वो भी तो इंसान है, खाना बना रही है। 8 दीदी अभी सदर अस्पताल में है, खाना घर में बनाती थी, आज एक किचन संभाल रही हैं, सभी पेशेंट को खाना जाता है,
पेशेंट आगे से तारीफ करते, दीदी आपका खाना बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हमें ज़्यादा करके दीजिए। तो उनके अंदर टैलेंट छिपा हुआ था, जीविका उस टैलेंट को भी देखती है, टैलेंट के माध्यम से भी उनको रोज़गार मिला। हर क्षेत्र में जीविका आगे बढ़ रही है, तो जीविका के लिए हमारी सोच है जीविका बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। और जीविका में ज़्यादा से ज़्यादा जितने पंचायत में हैं, अभी जीविका पंचायत में है, म्यूनसिपल में भी आ जाएगा, तो जुड़ने की कोशिश करेगी दीदी तो बहुत अच्छा रहेगा। में ही रहती हैं आप, पढ़ी लिखी नहीं हैं, अगर आप जीविका में जुड़ी हुई हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर जीविका माध्यम से आपको कोई ऐसा रोज़गार करने का साधन मिल जाए तो आप कीजिए, बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर जीविका आपको कह रहा है कि नहीं आपको इस कार्य के लिए हम भेज रहे हैं आप चलिए, तो कुछ दीदी बोलती है नहीं हम नहीं जाएंगे, घर से निकलने को मना ही है, ये है वो है, तो वो सब मत देखिए, आप आगे बढ़िएगा तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा। जीविका बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसी संस्था जो महिलाओं को लगातार सशक्त कर रहा है, नारी एक कह लें कि नारी सशक्तिकरण का जीविका का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो लगातार महिलाओं को हर फील्ड में कहीं ना कहीं रोजगार भी उपलब्ध करवा रही है। हमारे साथ दो दीदी हैं जो कि ये कहना यही चाह कह रही हैं कि इससे पहले हमारी स्थिति वैसी नहीं थी, महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं, ऐसे महिलाओं के लिए जीविका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दोनों सिस्टर जो है यहाँ पे किशनगंज सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मित्र में जो है कार्यरत हैं, मानदेय के हिसाब से इनको 490 रुपया पर रोज प्रति रोज मिलता है और ये यहाँ पे काम कर रही हैं। घर परिवार भी खुशहाल चल रहा है, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा तो सहारा जरूर दे रहा है। तो ऐसे महिलाएं या युवतियां जो कहीं ना कहीं पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए जीविका बेहतर विकल्प है। जीविका बहुत अच्छा है। किशनगंज से धीरज कुमार की रिपोर्ट।